हे वेलकम बैक एवरीबॉडी, आप सभी कैसे हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं सोमैस्थेटिक सेंस के बारे में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, सो वॉच दिस टिल द लास्ट। नाउ लुक ऑन द स्क्रीन, यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी इजीली। यहां पर लिखा है सोमैस्थेटिक सेंस। सोमैस्थेटिक को अगर हम थोड़ा सा डिवाइड करें तो हमको मिलता है सोमा प्लस एस्थेटिक। सोमा का मतलब होता है बॉडी से और एस्थेटिक का मतलब होता है फीलिंग से। सो इट्स मीन्स दैट व्हाट बॉडी फील्स, यानी बॉडी क्या फील करती है। एंड बॉडी फील करती है चीज़ों को तीन तरीकों के सेंस से, यानी सोमैस्थेटिक सेंस में आपके थ्री सेंसेस आते हैं। थ्री सेंसेस में जो फर्स्ट है दैट इज स्किन सेंसेस। स्किन सेंसेस आप समझ सकते हैं, स्किन जो हमारी होती है दैट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। एंड स्किन सेंस फील करती है टच, प्रेशर एंड टेम्परेचर, पेन। तो ये चार चीज़ें हैं जिसको स्किन सेंस फील करता है, स्किन सेंस करता है, टच, प्रेशर, टेम्परेचर। तो इसके बाद नेक्स्ट आता है दैट इज सेकेंड काइनेस्थेटिक सेंस। काइनेस्थेटिक सेंस एंड वेस्टिबुलर सेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कन्फ्यूजन रहता है, मैं कई बार बताया हूँ तो आप इनको अच्छे से सीख लीजिए। काइनेस्थेटिक सेंस में आपका आता है सेंस ऑफ द पोजिशन एंड मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स, लोकेशन ऑफ बॉडी पार्ट्स, यानी हमारे जो बॉडी के ऑर्गन होते हैं उसमें जो मूवमेंट होता है उसका सेंस होता है। ये आपका आता है काइनेस्थेटिक सेंस में। बॉडी पार्ट की बात कही गई है तो मान लीजिए हमारा फिंगर का मूवमेंट होना, हमारे लेग का मूवमेंट होना, तो इसके जो सेंस होते हैं वो आपके कहाँ पर होते हैं, बॉडी पार्ट में जो भी ऑर्गन है उनके जहाँ पर जॉइंट्स होते हैं, टेंडन्स, लिगामेंट्स होते हैं, वहाँ पर आपका काइनेस्थेटिक सेंस होता है। और ये हमको बताता है बॉडी पार्ट्स के मूवमेंट और लोकेशन ऑफ द बॉडी पार्ट्स के बारे में। एंड जब बात आती है वेस्टिबुलर सेंस के बारे में, आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखना है कि जो वेस्टिबुलर सेंस होता है दैट इज़ द सेंस ऑफ बैलेंस, सेंस ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी हमारे होल बॉडी का बैलेंस, यानी सेंस ऑफ इक्विलिब्रियम। एंड ध्यान रखना है कि जो वेस्टिबुलर सेंस होता है इसके जो ऑर्गन्स होते हैं दैट आर लोकेटेड इन ईयर, इन रिलेशन ग्रेविटी, ग्रेविटी के रिलेशन में ये बॉडी के मोशन एंड पोजीशन को मॉनिटर करते हैं। सो आई वांट टू रिपीट अगेन कि आपका जो सोमैस्थेटिक सेंस है उसमें तीन चीज़ें हैं। आपका स्किन सेंस होता है जो कि आपके टच, प्रेशर, टेम्परेचर सेंस करते हैं, और जो काइनेस्थेटिक सेंस होता है, काइनेस्थेटिक सेंस आपके बॉडी पार्ट्स जो होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, उनके मूवमेंट को, लोकेशन को सेंस करते हैं। और ये आपका जो बॉडी में लिगामेंट्स होते हैं, जॉइंट्स पे टेंडन्स होते हैं, वहाँ पर सेंस होते हैं ये। और इसके अपोजिशन में जो वेस्टिबुलर सेंस है ये होल बॉडी का होता है, सेंस ऑफ इक्विलिब्रियम होता है, और इसका जो भी सिस्टम होता है वो लोकेटेड होता है हमारे ईयर्स में और मॉनिटर करता है बॉडी मोशन को, बॉडी पोजिशन को, यानी होल बॉडी को। तो अब आप इसे अच्छे से सीख लीजिए, ध्यान रखिए, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और आप मेरे साथ जुड़े रहिए कुछ ऐसे ही खास चीज़ों को सीखने के लिए। तो थैंक यू, मिलता हूँ आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में।